कसम से पता है गाइस, मेरा ना एक सपना भी था कभी कि मैं सिंगर बनूं। मैंने एक साल तक रियाज भी किया था, पर आवाज बहुत बढ़िया भी हो गई थी मेरी, प्यारी आवाज हुई थी। सच में भगवान कसम, सच्ची बोल रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। पता है जब मैंने छोड़ा था ना ये सिंगिंग का सपना, पता ना बहुत रोई थी मैं जी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग में। और आप सब कैसे होंगे? बहुत बढ़िया होंगे, है ना। सुबह हो चुकी है, सुबह का टाइम हो गया हमारा 7:12। बाकी इधर देखो कितनी प्यारी सी धूप निकल के आ रही है, अभी ना आपको दिखेगी नहीं क्योंकि कल परसों इतनी बारिश पड़ी ना भाई, लगातार रात को भी दिन को भी इतनी बारिश पड़ी, बहुत ज़्यादा बारिश पड़ी। इस वजह से आज कुछ मौसम ठीक है, बादल से हो रहे हैं लेकिन इधर से थोड़े थोड़े सूरज मौसम भी निकल के आ रहे हैं है ना इधर से। और ये देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, चिड़िया विड़िया उड़ रही हैं, चहक रही हैं, जी 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 जी। पापा चल दिए खेत के लिए, ये देखो फावड़ा वावड़ा उठा के अपना, है ना। बाकी इधर मम्मी लेट रखी है और विस्की इधर सो रखी है, इधर खोयो सो रही। बिस्की बिस्की का नाश्ता हो भी गया, अब बिस्की खुली थी जब से, अभी बांधी से गले में रस्सी, है ना विशु। सो जा बच्चा, सो जा माँ बाबू, डरा मत कर, तो डर जा मेरी आवाज से, सो जा, है ना। और यहाँ पर सीमा भून रही है चावल, और उधर रखी आलू, आलू की सब्जी, उधर रखी चाय, इधर आटा है, भून दे आटा, आटा सीखेगा, आटा मल दिया, देखो ना सीमा जी ने फ्रिज में रखा था, रात का मल्ला हुआ रखा था फ्रिज में है ना। तो यहाँ पे चावल वगैरह भून रही है, मुझे पूछ कर चावल खा गया, रोटी खा गया, है ना। मोहित ऊपर है अपना, कानों में ईयरफोन लगा रखी है, हमारी तो सुन नहीं रहा, तो क्या जाना ऊपर, लेकिन फिर भी चलते हैं, चलो पूछ लेते हैं। मैं आ गई ऊपर। ओ मोहित तू रोटी खा गया, भुना हुआ चावल खा गया, रोटी खा गया, भुना हुआ चावल खाने का है, कैसे खाऊं रोटी, आलू बनाए थे रात, उठा वो डोगी, डोगी दूर से दूर डर रहा है। तो गाइस मैं तो कहने की याद नहीं रही, पागल हूँ मैं, सबसे पूछती फिर आपसे पूछे नहीं। आपको भी पीले चावल भुने हुए बहुत अच्छे लगते हैं ना, नमक मिर्च डाल के एकदम बढ़िया, और भी चाय के साथ आए हाय नमकीन के जैसे नहीं हो जाते हैं ना है ना। तो आप भी जल्दी से आ जाओ, जल्दी से भुने हुए चावल के साथ लेंगे हम चाय, आओ जल्दी। तो मैं करती हूँ नाश्ता। तो दोस्तों आ गए हैं हमारे पीले चावल, नमक मिर्ची से एकदम गर्मा गर्म पीले चावलों के साथ, एकदम गर्मा गर्म हमारी अदरक की चाय, टेस्टी हो जाए पेट में जाके तो जल्दी से आओ गाइस, आपका ही इंतजार कर रही हूँ मैं, वरना मैं दवा खा लूंगी कैसे करके। मम्मी चाय मांग रही है, बीच में ही डिस्टर्ब कर जा, ऐसे ना बीच में ना खाने का मजा नहीं आता है ना। चाय देती हूँ मम्मी को पहले, बड़े हो रहे हैं मैंने हल्के चाखे तो मम्मी नु कह रही चाय ला कर दे, ये भी चाय। अब देखो मम्मी जा रही है और धूप भी बहुत प्यारी निकल गई है, जो पे उन्हें डालेंगे मम्मी हमें, बाय कर दो गाइस। हम कपड़ों की टैब बनाएंगे।
ए ये तो धूप में डालना था मुझे कपड़ों में। जब मैं झाड़ू अब हम लगाएंगे झाड़ू। मैं पहले बार बार झाड़ू लगाती हूँ, अंदर तो बाद में गैस को साफ करके घंटों लगानी पड़ेगी ना। इस वजह से पहले बार बार करती हूँ। कोई क्या कभी टपक जाए ये भी पता रहता ना, क्योंकि मेहमान ऐसे होते हैं बता के तो आते नहीं है। अब ऐसा होता है तुम इतनी सफाई करके रखोगे तब तो कोई नहीं आने वाला, लेकिन जल तुम्हारे घर में रहेगा ना कूड़ा कचरा गंदा। अरे भाई मेहमान तो ऐसे आके टपके सामने बुलाया, आज स्वागतम स्वागतम। इस वजह से मैं झाड़ू वगैरह लगा के रखती हूँ, साफ रखती हूँ। आप भी ऐसा ही करे करो, है ना गाइस। तेरी मेरी कहानी बन गई। ले अच्छी आ रही ना मेरी। कसम से पता है गाइस, मेरा ना एक सपना भी था कभी कि मैं सिंगर बनूं। मैंने एक साल तक रियाज भी किया था, पर आवाज बहुत बढ़िया भी होगी थी मेरी। मैं चावल भी खाने छोड़ दे, प्रेज करना शुरू करा, नींबू वगैरह ये सब खाने छोड़ दे। मैं तो यहाँ पे ऐसे मोटा बन गया था, गला में कंठ ऐसे मोटा बन गया था, बहुत प्यारी वाली हुई थी। सच में भगवान का सन सच्ची बोल रही, मैं झूठ नहीं बोल रही। पता है जब मैंने छोड़ा था ना ये सिंगिंग का सपना, पता ना बहुत रोई थी मैं जी ठीक। वही वजह जो मैंने छोड़ दिया था, वरना तो एक साल तक ऐसे मेहनत करी थी ना। जब हम चोपड़ा फार्म में रहते थे मैंने किसी को बताया नहीं था, मतलब आपको जैसे फोन में या किसी को भी, बस घर को मेरे घर में पता था, लेकिन ये ताई चाची वगैरह इनसे किसी से कुछ नहीं बताया था मैंने जी। वो होता है ना कि पहले नहीं बताना चाहिए अपने सपने को। अगर आप सपना पूरा नहीं कर पाते, हालांकि कर सकते हैं, जब होता है सपना तो पूरा करना पड़ता है, लेकिन कर नहीं सकते किसी वजह से, तो फिर बाहर के लोग बोलते हैं सिंगर बनी थी, पता गायक बनी थी, बन गई गायक हो गया था, ऐसा होता है, ऐसे बोलते हैं ना बाहर के लोग। फिर इस वजह से पहले नहीं बतानी चाहिए भाई। अगर तुम्हारा सपना है तो तुम चुपचाप पूरा करो तुम। अरे जब हो जाएगा ना पूरा सपना ही देखेंगे, टिक 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 टिक। इसलिए तो फिर मैंने किसी को बताया नहीं था, तो वरना तो बहुत भगवान की कसम बहुत अच्छी आवाज होगी थी मेरी। मैं इतनी पागल थी उस टाइम पे, मैंने क्या सोचा कि जो अच्छे से रियाज कर लूंगी ना, अच्छे से आवाज बन जाएगी, तब गा कर डालूंगी। मैंने एक गाना तक का नहीं गाया था उस टाइम पे। एक साल तक इतनी अच्छी आवाज होगी थी, मैंने एक गाना भी नहीं गाया। मैंने सोचा अच्छी हो जाएगी, जो अच्छी थी वो भी खराब होगी, वरना कम से कम याद तो बनी रहती है ना। एक आध गाना डालती मैं आपको भी बताती है ना, लेकिन अब तो चावल खा के आवाज इतनी फट गई है ना, गाना लायक नहीं है। ठीक है गाइस, तो मैं काम को करती हूँ, फाइनल मिले। गाइस मेरा काम हो गया पूरा कंप्लीट। और ये देखो खेत में गए थे उधर शामपुर में, इधर तो हल्की बारिश आई थी, उधर इतनी तेज आई हुई, बेचारे तर होके आ रहे तीनों, मम्मी भी पापा भी मोहित भी। मैंने खाली रोटी और अब हम ऊपर जा रहे हैं। पता है मम्मी भीग के तो आई, लेकिन बहुत सारा सामान लेके आई। मैं अभी बताया, अभी दिखाता हूँ। मम्मी भले खेत गई थी और भीग के आई, कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन मम्मी इधर देखो ये पत्ते, मूली के पत्ते, वाव मूली के, मुझे तो बहुत मस्त लगा, बढ़िया लगा है रे। है ना, तो ये जैसे कि आपको पता है हमारी मूली हमने कितनी नलाई थी, तो वो ऐसी हो गई है अभी मूली, मतलब ऐसी बनी है मूली, बस पत्ते हैं, मूली तो अभी बनी नहीं, देखो इतनी हुई है। तो ये ताजे पत्ते। आप भी आ जाओ जल्दी से मूली के पत्ते लेने के लिए। ये देखो अब मम्मी धुल रही है कांदू के पत्ते। ओहो इधर मिर्ची भी है हमारी, लाल मिर्ची लो या हरी मिर्ची, खेत की मिर्ची। ओहो क्या कर रहे हो तुम ये? हम खाना बना रहे हैं, दिख नहीं रहा तुझे? अच्छा शाम होगी क्या? नहीं सुबह हो रही है। ओ गाइस जी देखो रात हो गई है, देखो मैंने ऐसे तोड़ा ना, ऐसे तोड़ा मैंने रख के आज बिस्की को। तो यहाँ मम्मी पालक भी लाई है, इसमें पालक भी है और इसके अरवी के पत्ते वगैरह। मम्मी बोल रही है कांदू के नहीं है, वो अरवी के हैं। कांदू अलग होता है, अरवी अलग होती है ना। तो यहाँ पर हमारी बन चुकी है मूली की भुज्जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मूली लाई थी, तो मूली की भुज्जी बन चुकी है। इधर से मैं रोटी सेक रही है चूल्हे पे, है ना, जा रही है फटाफट से पापा को देने के लिए, है ना। तो ये खाना वगैरह खाएंगे अब, रोटी खाओ, देख बिस्किट के साइड रोटी खाने के लिए। तो और सीमा सब्सक्राइब लाइक, वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स। ठीक है गाइस, फिर अपना फर्ज निभा ले। बाय बाय।